कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने अज नवे खेतीबाड़ी कानूनों नूं लै के केंद्र दी मोदी सरकार ते निशाना साधिया। अपने संसदी खेतर वायनाड विच एक प्रोग्राम नूं संबोधन करदे राहुल गांधी ने कहा कि देश दे बहुते किसान नवे खेतीबाड़ी कानूनों दा वेरवा नहीं जानदे, जे ओह डिटेल समझ गए तां पूरे देश विच किसान अंदोलन शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम विच राहुल गांधी ने देश दी आर्थिकता संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते भी निशाना साधिया। UDF सम्मेलन विच राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई यह है कि बहुते किसान बिल दे वेरवे नूं नहीं समझदे, क्योंकि जे उन्होंने अजिहा कीता तां सारे देश विच अंदोलन होवेगा, देश में अग लग जाएगी। राहुल ने केरल में होने वाली विधानसभा चोणों बारे कहा कि सूबे में चोणा हो जा रही ने, यह चोणा विचारधारक ने, यह UDF LDF RSS की विचारधारा के विरुद्ध चोणा ने। इस दे नाल ही दस दिए कि राहुल गांधी अज वायनाड के कलपत्ता कस्बे में एक सरकारी मेहमान में गैर राजनीतिक समाजिक सभ्याचारक धार्मिक किसानी संगठन के नुमाइंदे गलबात करेंगे। इस साल अप्रैल मई में होने वाली सूबा विधानसभा चोणों तो पहला राहुल दो दिन केरला दौरे ते ने। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम TV। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने अज नवे खेतीबाड़ी कानूनों नूं लै के केंद्र दी मोदी सरकार ते निशाना साधिया। अपने संसदी खेतर वायनाड विच एक प्रोग्राम नूं संबोधन करदे राहुल गांधी ने कहा कि देश दे बहुते किसान नवे खेतीबाड़ी कानूनों दा वेरवा नहीं जानदे, जे ओह डिटेल समझ गए तां पूरे देश विच किसान अंदोलन शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम विच राहुल गांधी ने देश दी आर्थिकता संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते भी निशाना साधिया। UDF सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई यह है कि बहुते किसान बिल दे वेरवे नूं नहीं समझते, क्योंकि जे उन्होंने अजिहा कीता तां सारे देश में अंदोलन होवेगा, देश में अग लग जाएगी। राहुल ने केरल में होने वाली विधानसभा चोणों बारे कहा कि सूबे में चोणा हो जा रही ने, यह चोणा विचारधारक ने, यह UDF LDF RSS की विचारधारा के विरुद्ध चोणा ने। इस दे नाल ही दस दिए कि राहुल गांधी अज वायनाड के कलपत्ता कस्बे में एक सरकारी मेहमान में गैर राजनीतिक समाजिक सभ्याचारक धार्मिक किसानी संगठन के नुमाइंदे गलबात करेंगे। इस साल अप्रैल मई में होने वाली सूबा विधानसभा चोणों तो पहला राहुल दो दिन केरला दौरे ते ने। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम TV।